हेलो गाइस, आज से न्यू ड्रामा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्यूट बॉडीगार्ड, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिंग जिंग नाम की एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं, जो अपने फेवरेट राइटर से मिलने के लिए आई थी। साथ ही पता चलता है कि वो राइटर उसका कॉलेज में सीनियर भी था और उसे उस पर क्रश भी था। वो उसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। साइड में खड़ी कार में वो अपने आप को ठीक करने लगती है और उसी कार में देख के लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी पता चलता है कि कार में तो मिस्टर गू बैठा हुआ है। फिर वो बाहर निकलता है। जब वो वहां से जा रहा था तो जिंग गलती से उससे टकरा जाती है और गिरती है, और वो उसे पकड़ के बचा लेता है। फिर वो ऑकवर्डली एक दूसरे को देखते हैं और गू वहां से चला जाता है। जब वो अंदर जा रहा था तभी जिंग जिंग नोटिस करती है कि उसके स्वेटर का एक धागा उसके कपड़ों में अटक के उसके साथ ही जा रहा है, जिससे उसका स्वेटर खुलता जा रहा है, जिससे वो उसे पर्वर्ट लगता है और उसके पास जाके उससे इस चीज के लिए लड़ने लगती है। लेकिन गूस की बातों पे ध्यान दिए बिना यहाँ से चला जाता है। पता चलता है कि उसकी फैमिली एक बहुत ही बड़ी कंपनी की ओनर है और उसे उसके ग्रैंडफादर ने वहाँ सीईओ बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन वो सीईओ बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। साथ ही वो तो वहाँ रिजिग्नेशन देने के लिए आया था, जिससे उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिंग जिंग अपने सीनियर से मिलने के सपने देख रही थी और देख रही थी कि कैसे उसके सीनियर को उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन उसके सपने टूट जाते हैं जब गू आके उससे टकराता है और उसकी बुक नीचे गिर जाती है। वो गू से लड़ाई करने ही वाली थी कि तभी गू के कुछ एम्प्लॉयज आकर उसे वहाँ से जाने से रोकने लगते हैं। जिंग जिंग को लगता है कि वो सब किडनैपर्स हैं जो गू को किडनैप करने आए हैं, जिनसे वो उससे लड़ाई करने लगती है और एक एक करके सबको मारने लगती है, जिससे गू भी इम्प्रेस होता है। लेकिन फाइनली जब वो एक आदमी को मारती है तो उसके नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसे ब्लड से फोबिया था, और बेहोश हो जाती है और उसे गू पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में जिंग जिंग हॉस्पिटल में थी और उसके कपड़े सही नहीं थे, तो गू उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने जा रहा था, लेकिन तभी वो उठ जाती है और वो सोचती है कि वो एक पर्वर्ट है जो उसका फायदा उठाने आया, जिससे वो उसे मारने के लिए जाती है, पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट सीन में गू का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको तो लड़कियों को टच करने से प्रॉब्लम है, फिर आप जिंग जिंग को टच कैसे कर रहे हो, जहाँ पर वो करता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम उसे मेरे बॉडीगार्ड के लिए हायर करेंगे, जिससे असिस्टेंट भी अग्री होता है। नेक्स्ट डे गू एंड असिस्टेंट दोनों ही जिंग जिंग के घर पहुंच जाते हैं। जिंग जिंग की फैमिली बहुत ही पुअर थी और वो पैसे कमाने के लिए अपने घर को रेंटेड प्लेस बनाकर भी देती थी। जब वो उनके घर जाता है तो वो कहता है कि वो यहाँ जिंग जिंग को एज अ बॉडीगार्ड हायर करने के लिए आया है, जिससे वो लोग खुश होते हैं। लेकिन जिंग जिंग बताती है कि ये वही पर्वर्ट है जिसने कल मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी थी, जिससे उसके फादर गुस्सा होते हैं और उसे मारने के लिए आते हैं, जो कि काफी ही फेक लगता है, जिससे डर के गू बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर था तो वो देखता है कि उसके एम्प्लॉयज फिर से उसे लेने के लिए आए हैं, जिससे डर के वो वापस से जिंग जिंग के घर में चला जाता है, जहाँ पर जिंग जिंग नहा कर निकली थी और उसे लग रहा था कि किचन में उसके मदर है और उनसे हेल्प लेने लगती है, लेकिन वो रियल में तो गू था। जैसे ही वो गू को देखती है वो घबरा जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जिंग जिंग के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और ये सब कुछ देख के शॉक होते हैं। वो वापस से गू को घर से निकालने लगते हैं, लेकिन इस बार गू कहता है मैं आपको डबल पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, जिससे उसके पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं। अब जिंग जिंग गू के साथ जाना नहीं चाहती थी तो गू सजेस्ट करता है कि मैं आप लोगों के साथ यहीं रहूंगा और उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने को तैयार हूँ, जिससे जिंग जिंग के पेरेंट्स तो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। लेकिन जिंग जिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब गू के कोई भी कार्ड नहीं चल रहे थे, जिससे वो अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी उनके पास गिरवी रखता है और कहता है कि मैं कल आपको पैसों का अरेंजमेंट करके दे दूंगा, जिससे उसके पेरेंट्स अग्री होते हैं। अब यहाँ उसे जिंग जिंग के रूम में रुकना पड़ता है, जो काफी गर्ली एंड पिंक था और उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन में सोचता है कि मैंने बहुत ही बेकार जगह के बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है कि जिंग जिंग बहुत ही जल्दी उठ गई है और उठकर ही एक्सरसाइज करने लगी है। उसके पास जाता है तो वो बताती है कि हमारे घर का रूल है कि जो भी यहाँ रहेगा उन्हें जल्दी ही उठना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग जॉगिंग करने जाते हैं, जहाँ पे जिंग जिंग बताती है कि मुझे मार्शल आर्ट्स मेरे फादर ने नहीं बल्कि मेरी मदर ने सिखाया है। उनका मानना ये है कि गर्ल्स को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और इस वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जब वो जॉगिंग कर रहे थे तभी जिंग जिंग के मन में ख्याल आता है कि ऐसा तो भला क्या है कि सब गू के पीछे ही पड़ के रह गए हैं और उसे चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कंपनी में गू का असिस्टेंट उसके लिए पैसों के अरेंजमेंट कर रहा था और उसका चीजें ले रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो उसे गू के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछने लगते हैं और उसे थ्रेटन करते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पे मिस्टर बी भी थी, जो भी गू को पकड़ना चाहती थी। लेकिन जैसे एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं वो खुद ही गू को इन्फॉर्म करती है कि वो अपना फोन स्विच ऑफ कर ले, ताकि कोई भी उसकी लोकेशन का पता ना लगा पाए, यानी वो भी गू के साथ मिली हुई थी। यहाँ पर गू का पार्सल आ गया था और जिसमें उसका कार्ड भी था, लेकिन वो अब अकेले पैसे निकालने नहीं
नहीं जा सकता था, इसलिए वो जिंगजिंग को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन जिंगजिंग उसे मना कर देती है। तो वो उसकी मदर को कहता है कि अगर जिंगजिंग मेरे साथ आएगी तो मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, जिससे उसकी मदर जिंगजिंग को साथ में जाने को कहती है। अब इसके बाद दोनों बस स्टॉप जाते हैं। जब दोनों बस में बैठते हैं तो येगू का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था, जिससे जिंगजिंग उसे प्रोटेक्ट करती है जैसे कोई लड़का किसी लड़की को करता है, जो देखने में काफी ही फनी है। अब उसके बाद दोनों एटीएम के बाहर खड़े थे, जहाँ पर गू एटीएम में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कैमरा में अगर उसे कोई देख लेता तो उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल जाता, जिससे वो जिंगजिंग को अंदर जाने को कहता है। जिंगजिंग जब उसका कार्ड एटीएम में डालती है तो देखती है कि उसके पास तो इतने सारे पैसे हैं, जिससे वो शॉक रह जाती है। और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि मे बी ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, और कोई गलत काम करता है तभी इसके पास इतने सारे पैसे हैं, जिससे वो सोचती है कि मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। और वो उसके पास जाकर उसे मारती है, लेकिन तभी गू को ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर जिंगजिंग बेहोश हो जाती है और उसे गिरने से गू बचाता है और कंफ्यूज होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।